बस आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे। फिर से स्वागत है एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, माय ब्लॉग चैनल SVN07 में। गाइस आप देख सकते हैं खूबसूरत सा ये डैम मलकानगिरी सतीगुड़ा डैम है। देखिए नाव वाले भाई साहब लोग मछली पकड़ रहे हैं। गाइस ये इधर देख सकते हो, इधर पानी निकलता है, इधर एक गेट है इस डैम का। यहाँ पर दो गेट मौजूद हैं। गाइस हम लोग अभी इको पार्क के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हो इको पार्क सतीगुड़ा, यहाँ पर बाइक रख के हम लोग अभी जाएंगे टिकट कटवाने। गाइस ये पार्क के सामने ही देख सकते हो माता पार्वती और भोलेनाथ जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत देखने लायक है। गाइस से देखिए हम लोग अभी जाएंगे, ठीक है वो है टिकट काउंटर, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। देखिए ये पार्क के अंदर जाने का रास्ता, हमने अभी टिकट कटवा लिया है। गाइस ये आप देख सकते हैं वेलकम सतीगुड़ा डैम, देख सकते हो पार्क के अंदर का नज़ारा। ये देखिए टिकट यहाँ पर पर्सन 20 रुपये के हिसाब से लिया जाता है, देख सकते हो वेलकम। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा डायनासोर भी बनाया गया है, बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो गाइस क्या खूबसूरत लग रहा है। अभी पार्क के चारों ओर घूमते हैं। गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए। इधर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आदिवासी समुदाय का ढोलक बनाया गया है, आदमी के साथ खड़ा करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरा आदि रख सकते हैं। गाइस अभी आगे की ओर जाएंगे। ये देखिए यहाँ वन जानवरों के अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए हैं इस पार्क के अंदर में। गाइस ये आप देख सकते हो आदिवासी महिला और पुरुष का चित्र बना हुआ है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं। यहाँ पर अभी टाइल्स लगा हुआ है, यहाँ घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। और अब हम लोग अभी घूम रहे हैं, यहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। गाइस यहाँ पर रूम बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा, और यहाँ टंकी बनाया गया है। आज यहाँ पानी नहीं है, अगर पानी रहने से बहुत ही मज़ा आता, ऊपर फुहारा फेंकता होगा शायद। ये आप देख सकते हो पार्क का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर पूरा पहाड़ी के ऊपर में बनाया गया है। गाइस बहुत ही बढ़िया पार्क, इको पार्क मलकानगिरी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि ये डैम के पास ही बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं अभी हम लोग नीचे उतरते हैं, डैम के नज़दीक जाते हैं। गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये आप देख सकते हो सांप बनाया गया है, इधर मछुआरे भाई लोग मछली पकड़ रहे हैं, देख सकते हो डैम का पानी। ये देखिए जाल मछली पकड़ने का, ये आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं भाई लोग, जाल बिछा रहे हैं। गाइस वीडियो में बने रहेंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देख सकते हैं इधर भाई लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। ये जो नाव है शायद अभी ख़राब हो चुका है, नाव की मदद से यहाँ पर पानी में घूम सकते हैं। ये आप देख सकते हो अभी पानी ज़्यादा होने के कारण इन नाव को चालू नहीं किया गया है। गाइस आप वीडियो में बने रहिए।
गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा पहाड़ी ये नज़र आ रहा है चारों ओर। देख सकते हो पार्क भी पहाड़ी के ऊपर में ही बना हुआ है और यहाँ पर बढ़िया सा रोड बना हुआ है। देख सकते हो इधर इस डैम के किनारे किनारे में पूरा घूमने के लायक ये देख सकते हो बढ़िया रोड और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। गाइस ये देख सकते हो बांस का पेड़ बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ लोग भी घूमने आए हुए हैं। देख सकते हैं इधर हम लोग अभी आगे की ओर जाएंगे गाइस। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रतिदिन घूमने आते हैं आसपास के मलकानगिरी सिटी के। ये आप देख सकते हो यहाँ पर महिला और पुरुष के शौचालय भी बनाए गए हैं। गाइस ये पूरा जिधर देखो उधर पानी पानी नज़र आता है और इन पहाड़ियों को बढ़िया पार्क का रूप दिया गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ खूबसूरत मछली का भी चित्र बनाया गया है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये। अभी हम लोग आगे की ओर जाते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गाइस ये आप देख सकते हो इधर बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ एक भाई साहब पानी दे रहे हैं पौधे को और ये बहुत ही बढ़िया जगह है, ये बहुत ही व्यू पॉइंट है इस डैम का। देख सकते हो इधर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर भाई लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जंगली फूड कैफे, आप देख सकते हैं। यहाँ तो अभी कैफे चालू नहीं हुआ है गाइस, तो आने वाले समय में ज़रूर होगा। अभी आप थोड़ा अंदर की ओर जाके देखते हैं, यहाँ दाई माँ बैठी हुई है। ये पूरा पार्क के अंदर बहुत ही बगीचा बना हुआ है फूलों का, देख सकते हो। और यहाँ पर दो मंजिला बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बना हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप लोगों को यानी कि आपको दिखाते हैं नज़ारा। गाइस देख सकते हैं इधर यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर को बॉल का रूप दे दिया गया है। ऐसा लग रहा है दूर से देखने पर ये मानो कोई वॉलीबॉल या फुटबॉल हो। ये आप देख सकते हो ये पूरा पत्थर है बड़ा बड़ा गोल सा और इसके जस्ट ऊपर पूरा पहाड़ी है गाइस। ये आप देख सकते हो इस डैम का नज़ारा, यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो इधर। गाइस थोड़ा वहाँ आगे की ओर जाके देखते हैं, ये देखिए प्यारा सा बिल्डिंग। Thank you.
गाइस ये आप देख सकते हो, अगर आपको इस डैम का खूबसूरती देखना है ना, इस व्यू पॉइंट में आके देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। इधर जिधर देखो उधर पूरा छोटे छोटे द्वीप की तरह पहाड़ी बन गए और चारों ओर पानी भरा हुआ है। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल और आनंदमय। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। गाइस अगर आप यहाँ पर देखने आएंगे ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके आएंगे ताकि आपको घूमने में और यहाँ की जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल सके। यहाँ आप देख सकते हो इधर पानी के नीचे में भाई लोग मछली पकड़ रहे हैं। यहाँ से कुछ इस प्रकार से व्यू पॉइंट है। ये देखिए ये मछली का जाल है, मछली पकड़ने के लिए लगाया गया है गाइस मछुआरों के द्वारा। ये देख सकते हैं इधर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, यहाँ से कुछ इस प्रकार सा दिखता है।